इजिप्ट में एक और सुहाना दिन। आज हम जाने लग रहे हैं इजिप्शियन म्यूजियम, जो कि मेरे होटल से तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर हैं। टाइम हुआ है सुबह के तकरीबन 8:30। आज मौसम में कुछ सर्दी का एहसास हो रहा है और सेम वही ड्राइवर, वही हमारी मैम। अभी हम लोग तकरीबन निकले हुए में 10 मिनट हो चुके हैं और अभी ट्रैफिक नहीं है। जनरली इजिप्ट के अंदर जो रश आवर्स हैं वो मॉर्निंग 7:30 से लेकर 8:30 तक होते हैं और फिर 4:30 से 6:30 तक का, तो हमारा वो रश आवर वाला टाइम निकल चुका है। यहाँ पे जो मिनी बसेज या जो माइक्रो बसेज हैं, ये वाइट कलर दिख रही हैं आपको, यही कायरो का जो मेन ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है। यहाँ पे कायरो में जनरली आपको बड़ी सिटी बसेज वगैरह नहीं मिलेंगी, लोग ऑफिसेज वगैरह आने जाने के लिए इन माइक्रो वैंस का ही यूज़ करते हैं। बड़ी फास्ट सर्विस है और फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, आपको हर जगह ये माइक्रो वैंस ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। इनका फेयर भी अफोर्डेबल है आपको। जैसा मैंने पहले बताया था कि आज रश का टाइम नहीं है, जब मैं एयरपोर्ट से कायरो आया था तब इतना ज़बरदस्त रश था कि मुझे एयरपोर्ट से अपने होटल आने में तकरीबन 2-2.5 घंटे आराम से लग गए थे। लेकिन आज हम उस रश टाइम वाले स्लॉट को हम छोड़ चुके हैं, तो हमें ट्रैफिक बड़ा स्मूथ सा मिल रहा है। यह है ग्रैंड म्यूजियम का एंट्री पॉइंट। इसकी टिकट है 160 इजिप्शियन पाउंड और घुसने के साथ ही देखिए बहुत सुंदर से आर्टिफैक्ट्स यहाँ लगे हुए हैं। हर आर्टिफैक्ट की एक अपनी अलग कहानी है, इसके लिए आपको एक अच्छा टूर गाइड देना ज़रूरी है, बिना उसके आप इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे। डिटेल्स देखिए, हर एक चीज़ देखने लायक है यहाँ पे। लेकिन अभी मुझे मालूम चला कि जो मम्मी सेक्शन है वह अभी रिनोवेशन के कारण बंद है और जितने भी मम्मीज है उसको गीज़ा में एक नया म्यूज़ियम बनाया जा रहा है जहाँ शिफ्ट किया जाएगा, इस वजह से हम वो सेक्शन अभी नहीं देख पाएंगे। एक से बढ़कर एक यहाँ मास्टरपीसेज रखे हुए हैं। तूतनखामेन का ये चैपल, ये पूरा तूतनखामेन की ट्रेजरी थी, इसका वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसका पूरा। सर मीरा बता रही थी, यह है तूतनखामेन का चैपल। इसका मतलब ये हुआ कि जब तूतनखामेन का ममिफिकेशन हुआ था और उसको दफनाया गया था तो उसके साथ में एक ये चैपल था। इस चैपल के अंदर इस चैपल का गेट, इस चैपल के अंदर ये चैपल, सेकंड चैपल, ऑफ द सेम ही वुड एंड द टॉप ऑफ विज वॉल्ट
ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है और ये ऊपर गोल्ड का और इसके अंदर भाई साहब ये वाला here is the pictures when they made the discovery which discovered by Howard Carter in 1922 the original pictures when they found it they found the two gardens as we see it and the chapel inside the chapel inside the chapel as you see it here also the mummy which the mummy is still there in the tomb so when you visit it you will see the mummy inside the sarcophagus here is by the way the bed and the last yes andar tha aur mummy abhi bhi family of king valley mein hai this is a represent the journey that they do it to the goddess and to the gods every morning and every night the king wears the famous gold twine which made of papyrus as well और इसके अंदर था ये इस ये था इसमें इसमें चार कैनोपिक जॉर्ज थे जिसके अंदर ऑर्गन्स को रखा जाता था सेम एंड कवर विद गोल्ड एंड ऑन द फोर डायरेक्शंस which represent the four main directions yes. of the earth north south east and west was be protected by what by four famous goddesses one of it needs Selkit Isis this is Nephthys by the way looks like a something like a plate and like a throne above him mm-hmm. this is symbol of to my find the sun that represent god Ra with the same three colors lapis lazuli turquoise precious stones and the green color and the red color and as you see here look at all the copra which make like a coronation all of it decorated also with the famous titles of the king and the cartouche of him alabaster anything that have been here that they are for but just when they opening it one of it that's damaged from them That I mean the head of it. It was represented before. ये mummification का god. But just the difference about the color. The same column which we called the jet, the eternal life, and the same icon which we called it. The throne of him. गोल्ड grandfather and grandmother we call it Yoya and Toya Toya yeah Yoya dekho bhai bachpan se mummy padhte aaye the या योया की मम्मी योया एंड जोया लुक एट द फीट लुक एट व्हाट दे वेयरिंग समथिंग लाइक दैट्स वी कॉल्ड इट फॉर लेग एंकलेट और समथिंग एंकलेट या इन गोल्ड सो लिटिल बिट हेयर हियर या And why it changing in its color? Because of the oils that they put it. So for sure this will be changed in its color to appear in a desired way. Because if you put the hand like this, as you see,
mummy. Cool. To put it above the mummy. So after they finished to wrap the mummy with linen, firstly they started with salt, extract the organs. After that, oil. Then more oil, more oil. After that, wrap it with linen. Then they put the mask above the mummy. Why? For the spirit to know the facial features of him to be inside, or from the name, because that they must to mark it with a name to not be lost in the second life. Different designs of the coffins, which scarve it with what? With the eye focus, which means protection, was iron way. Isis, to be at the symbol of more protection, and all of it we called it the coffin texts. Looks like the same idea of the papyrus roll, to help them to be in the second life, to enjoy the journey in the heaven. Second life, huh? Yes. And this is, by the way, part from the Kashet of Deir al-Bahari. You will find Deir al-Bahari, this is a famous temple. वाला जो रूम था वो बंद था, अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, तो मैं मम्मी से नहीं देख पाया था, शायद कुछ एक नया इजिप्ट का जो ये म्यूजियम बन रहा है, तो शायद वहाँ वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से बंद कर रखा था।